हेलो गेमर्स, वेलकम टू गेमर फेस्ट। तो यार आज की इस वीडियो में ना हम एक बहुत ही मस्त और कूल बाइक अपने गेम के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा बहुत सारी कार्स और बाइक्स हम अपने गेम के अंदर इंस्टॉल करते रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है रियल कार्स और रियल बाइक को अपने गेम के अंदर यूज़ करना। तो आज की जो बाइक है वो बहुत ही मस्त है, बहुत ज़्यादा स्पीड है उसके अंदर, बहुत मस्त भागती है और एकदम कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आपको कुछ रेस वगैरह करने हैं या कुछ ऐसी वीडियोस बनानी है जिसमें आप दिखाएंगे कि रेस वगैरह हो रही है, तो ये बाइक आप ज़रूर से अपने गेम के अंदर इंस्टॉल कर लेना। इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं आपको पूरा दिखाऊँगा और बाद में इसको फिर टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस मोड को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड होने के बाद ये जिप फाइल में आता है, तो इसको आपको अनजिप करना होगा। उसके लिए आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मेरा जो ये फोल्डर है ये आ चुका है, इसी के अंदर मेरा बाइक का फोल्डर है। ये देखिए यहाँ पर DLC फाइल जो है वो दे रखी है, इसके अंदर रीडमी फाइल नहीं है, वरना उसके अंदर हमें एक लाइन मिल जाती है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे करेंगे। तो चलिए फटाफट से मुझे अपने गेम की मेन डायरेक्टरी में जाना होगा। तो आ चुका हूँ मैं अपनी गेम की मेन डायरेक्टरी में, और अब मैं जाऊँगा मोड्स, उसके बाद अपडेट, फिर X64, फिर DLC पैक। तो यहाँ पर मेरी जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली ड्रैग कर दूंगा, आप कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो चलिए यहाँ पर ये काम हमारा हो चुका है। अब हम ओपन IV को ओपन करेंगे और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो V को हम सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले हमें एडिट मोड को ऑन करना ज़रूरी होता है, बिना इसके कोई काम नहीं होगा। तो मोड्स में जाएंगे, अपडेट RPF कॉमन, उसके बाद फिर डाटा, और फिर इसके बाद नीचे हमें मिलेगा DLC लिस्ट, वहाँ पर हम राइट क्लिक करके एडिट पे चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी लिस्ट है जो भी हमने इसके अंदर कार्स वगैरह या बाइक्स वगैरह इंस्टॉल कर रखी हैं। अब हमारे फोल्डर के अंदर रीडमी फाइल नहीं थी, वरना ये एक लाइन उसके अंदर होती है, वहाँ से कॉपी करके सिंपली हम उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम पुरानी कोई भी एक लाइन को प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे। देखिए पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है और इसको हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ नीचे आएंगे और एंटर दबाकर नीचे नई लाइन पे आ जाएंगे और यहाँ पर सिंपली इस लाइन को पेस्ट कर देंगे। अब ये दो लाइन एक जैसी हो गई, लेकिन ये जो बीच में है ना, ये बाइक का नाम होता है, बाइक का या कुछ भी जो भी आपके फोल्डर पे नाम होता है ये वो नाम होता है। तो यहाँ से हम फोल्डर वाले नाम को कॉपी करके अपने इस वाले नाम के साथ में इसको रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस करने के बाद सिंपली हमें कुछ नहीं करना, अब इसको हम सेव कर देंगे। तो हमारी जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो बस हो चुका है, बहुत ईजी था। तो अब टाइम है अपने GTA को रन करने का, और वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है। तो चलिए गेम हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और अभी हमें जाना होगा थोड़ा सा, मतलब जाना कहीं नहीं है, हमें यहीं पे स्पॉन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एड ऑन स्पॉनर अपना खोलता हूँ, और यहाँ से एड ऑन स्पॉनर का ये फ़ायदा है कि इसमें कैटेगरी वाइज आ जाते हैं। तो हम सीधा मोटरसाइकिल के अंदर जाएंगे, और ये जो हमारा नाम था वो यही वो नाम है। तो चलिए फटाफट से देखिए, गाड़ी हमारी स्पॉन हो चुकी है। भाई बाइक बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, और एकदम मतलब रेसिंग बाइक है, और इसके जो ग्राफिक्स वगैरह है ना, जो इस पर बने हुए हैं लिवरी वगैरह, वो सब इतनी ज़बरदस्त है कि आपको ये एकदम ट्रैक मशीन लगेगी देखने में, और बहुत ही मस्त है। और एक बार मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट स्पॉनर से कोई इस बाइक को उठाकर दूसरी जगह रखते हैं, तो एक ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे बहुत भारी भरकम चीज़ हो, यानी कि इस बाइक के अंदर वज़न बहुत ज़्यादा है। तो ये चलने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और बाकी आपको मैंने इसका ट्रैक पर कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है वो आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। तो चलिए अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि इसको मॉडिफाई करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, क्योंकि कुछ बाइक्स वगैरह जो मोड हम ऐड करते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको हम मोड नहीं करा सकते, मतलब मॉडिफाई नहीं करा सकते लॉस सेंटर ऑफ कस्टम में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए एक सुपर कार खड़ी हुई है यहाँ पर। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये फेक है, वो है, भाई कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमें सुपर कार्स मिल जाती हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी सुपर कार और सुपर बाइक हमें मिल जाती हैं। तो चलिए फटाफट से देखिए, हम इस बाइक को कस्टमाइज़ करा सकते हैं, और बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन हम इसकी कराने वाले हैं। और इसकी मॉडिफिकेशन कराने के बाद मैं इसको टेस्ट करने लेकर गया था, तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो 170 तक जाती है, और ये बहुत मस्त भागती है 170 की स्पीड पे, और आप इसको कंट्रोल बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। वो आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा, और बाकी अगर आप चाहें तो अभी भी आप देख सकते हैं। तो इसका जो कंट्रोल है वो बहुत बढ़िया है, और आपको अगर कुछ ही रेस वगैरह में ये यूज़ करनी है, या आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं और GTA 5 से रिलेटेड, और आपको कुछ रेस वगैरह दिखानी है,
तो आप इस बाइक को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइक चलाने में बहुत मस्त है और मतलब मज़ा आएगा आपको इसको चलाने में, और ये लुक वाइज भी बहुत ही ख़तरनाक लगती है। तो गाइज कैसी लगी वीडियो और बाइक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।